हाँ बच्चों, तो बच्चों हाइड्रोजन का जो आप ये कह सकते हो कि जो थर्ड टॉपिक है ना वो है वाटर। थर्ड टॉपिक कैसे हो गया, पहले तो होता है हाइड्रोजन के बारे में, उसके आइसोटोप, उसकी प्रिपरेशन और उसकी पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होता है ना वो होता है हाइड्राइड्स का। हाइड्राइड्स 3 तरह के होते हैं, मैंने बताए थे आपको, आयनिक हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और उसके बाद मैंने बताए थे को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स, तो सलाइन हाइड्राइड्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना मेरे चैप्टर में, वो आता है वाटर। तो वाटर की बात कर तो वाटर का सबसे पहले आता है वाटर की शेप क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, तो वाटर में मैंने बताया था उसकी शेप के बारे में। तो वाटर की शेप होती है, एक तो बेंट होती है, ठीक है, और उसका बॉन्ड एंगल 0.5 होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना काफी हाई रहता है, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड्स बनाते हैं। अभी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो वाटर ना, देखो ऐसे इस तरह से वाटर होता है, इसमें ओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एच हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, आपको पता है। अब एक और वाटर है बेटा ऐसे ही, अब जो इसमें भी यही है, एच जो है वो पॉजिटिव है और ओ जो है वो नेगेटिव है। ये आपस में क्या बना, ये देखो, ये एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से ऐसे इंटरेक्ट हो गया, ये जो बनकर आ रहा है इसी, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला एक एसोसिएशन जो होता है ना, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से ही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एब नॉर्मली हाई, ठीक है। कर लो बेटा, यहाँ तक लिख लिया बेटा आदित्य, देखा। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करके चलते, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नोट करके मेरे को दे दे, फिर खुद करिए। मोला एक चीज और लिख ले, मोलैरिटी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हो गया बच्चों, करें आगे। अक्षज और जो है वो बाकी सब बच्चों ने नोट कर लिया बेटा। यस सर, ठीक है, हाँ बेटा, पता नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, वो पहले हम सज्जीत डबर पढ़ाती है क्या, हिमांशु डबर पे। हाँ, वो हिमांशु पर हम पढ़ाते थे ना, इसलिए वो जानते हैं। पढ़ ले एक बार क्लास लेके, देख लो, पढ़ के देखना एक बार। चल ठीक है। तो अब उसके बाद जो बच्चों वाटर के बारे में जो बात आती है ना, वो देखो जरा क्या आएगी। यस बेटा, तो वाटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वाटर जो है बेंट शेप है। वाटर के बारे में ना बच्चों, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि वाटर जो होता है ना वो एम्फोटेरिक होता है। वाटर कैसा है बेटा, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब एम्फोटेरिक का मीनिंग समझो जरा क्या है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब बेटा ये हो गया, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। वाटर जो है वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी।
एसिड की तरह कैसे और बेस की तरह कैसे, जरा एक बार देखो। जैसे ना देखो, सबसे पहले ना बच्चे आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिड एक्चुअली है क्या। देखो बेटा, एसिड होता है H+ डोनर, और जो बेस है वो होता है बेटा H+ एक्सेप्टर। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। एसिड क्या है? H+ डोनर, और बेस क्या है? H+ एक्सेप्टर। तो और बताओ। हाँ जी, तो बेटा देखो, जैसे ना वाटर के साथ क्या होता है कि वाटर के सामने ना अगर कोई बेस आ जाता है, जैसे देखो वाटर के सामने ना ये एक बेस आ गया, यहाँ पर ये क्या है? एक बेस, और ये क्या है? एक एसिड। तो ये क्या करेगा? ये H+ देगा इसको, ये ले लेगा। मतलब ये होता है बेटा, वाटर यहाँ पर क्या प्ले कर रहा है बेटा, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एसिड का, क्योंकि वो H+ छोड़ रहा है। और अगर वाटर के सामने ना कोई एसिड आ जाए, जैसे कि HCl, तो वाटर पता है क्या बन जाएगा? बेस। एसिड के सामने क्या बन जाता है बेटा? वो बेस बन जाता है। और बेस के सामने क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। देखो ये बेस था तो वो खुद एसिड बन गया, सामने वाला एसिड था तो वो खुद बेस बन गया। यानी कि ये, अब ये एसिड H+ छोड़ेगा, इसको देगा, यानी कि फिर इसने, तो वाटर दोनों है, एम्फोटेरिक है, मतलब ऐसे, मतलब H+ जो है वो जरूरत पड़ने पर H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। ठीक है, देखते हैं। नहीं ठीक है, देखना, इसने, ये एसिड था ना बेटा, इसने H+ दे दिया ना, ये H+ इसको दे दिया ना अमोनिया को, तो अमोनिया क्या बन गया? NH4+। और ठीक कह रहे हो, ये गलत है ना, ये OH- होना चाहिए। अब ठीक है ना, थैंक यू। तो उसको जानता है उदय को? उदय, उदय नहीं आता था एक लड़का? उसके बाद आता है बेटा ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि ना, जैसे कि H+ ट्रांसफर बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, H+ ट्रांसफर बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो जैसे ना दो वाटर, तो इसमें क्या होगा? एक एसिड बन जाएगा, दूसरा बेस बन जाएगा, वो भी वाटर, तो एम्फोटेरिक होता है। तो क्या होगा? जैसे कि ये H+ इसको ये ले लेगा, ये H+ छोड़ देगा, मतलब ये इसको मिला H+, तो एक तो वाटर बन गया OH-, और दूसरा वाटर क्या बन गया? H3O+। ठीक है ना, एक वाटर ने H+ छोड़ दिया और एक वाटर ने H+ ले लिया, तो इसे ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं। देखो बच्चों, आप जब 10th क्लास में थे,
तो आपको ये नहीं कहते थे कि जो वाटर होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस और इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस होते हैं, इसीलिए तो वाटर का pH 7 होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है ना? न्यूट्रल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? एम्फोटेरिक, मतलब वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है? ला देखो, तुझे फोटो खींच के ना टेप दिया है ना, दूसरा बहुत गंदा आदमी है। चल अब कल आइयो पुणे, हाँ पढ़ के लिए, पढ़ा हाँ ये दिक्कत आ रही है ना, वो एकदम से कम दिन दिन कम है ना, थोड़ा पढ़ के आएगा तो सर। एक सेकंड, लिख लिया था बेटा? तो अब बताओ बेटा फिर, ये हमारा हो गया वाटर की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? ऑटो प्रोटोलाइसिस समझ लिया हमने, और क्या समझा बेटा हमने? एम्फोटेरिक नेचर समझ लिया, ठीक है ना? अब एक चीज और समझो जरा, कि जो वाटर होता है ना बेटा, H2O कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि बच्चे आप देखोगे यहाँ पर, जैसे Na में वाटर ऐड कर दूँ अगर मैं, तो पता है क्या बनेगा बेटा? NaOH बन गया एक, प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी ना, ठीक है ना? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, अगर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, बैलेंस है ना? तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वाटर जो है ना, वाटर ना यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ना Na का चार्ज है 0 और यहाँ पर Na का चार्ज क्या है? +1। चार्ज को अगर कोई बढ़ा देते हैं तो हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर वाटर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर जो वाटर है वाटर की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, यहाँ पर वाटर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? देख लो बेटा जरा, वाटर क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर, ठीक है? और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन सा एग्जांपल? और अब देखो वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर एज रिड्यूसिंग तो वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चों क्या होगा, कि जैसे ना वाटर के सामने मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और वाटर ऐड कर दिया, तो यहां पर जो फ्लोरीन होगा ना वो F- बन जाएगा, मतलब HF, और O2 अलग हो जाएगा।
बैलेंस है ना, बैलेंस आ गया ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, एफ का चार्ज क्या था पहले, जीरो, अकेला होता तो जीरो होता है, अब कितना हो गया, -1। चार्ज कम हो जाते तो हम बोलते हैं उसका रिडक्शन हो, चार्ज बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हो जाए तो रिडक्शन। ये रिडक्शन किसने की है, वाटर ने की है, ठीक है। तो वाटर यहां पर क्या बन गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बन, वाटर क्या बन गया यहां पर, रिड्यूसिंग। तो इस तरह से होते, फिर प्लस में लास्ट आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, देखो बेटा हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रेशन क्या होता है वो सुन लो। हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में बेटा क्या डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इन दिस प्रोसेस एच प्लस एंड ओ एच माइनस फ्रॉम वाटर चेंजेस ए कंपाउंड इंटू एसिड और बेस, चेंजेस ए कंपाउंड इंटू एसिड और बेस। ठीक है, यानी कि देखो ऐसा, जैसे देखो ऐसे, जैसे मेरे पास ना यहाँ पर एक कंपाउंड है SiF4 और इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर को कैसे लिखेंगे, H प्लस और OH माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाटर का आप ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है ना वो HF के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, और जो ये है वो सिलिकॉन के साथ चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा SiO2 प्लस HF, मतलब इसमें मेजर काम किसने किया, वाटर के, H प्लस ने किया, और ये जो बनकर आया है ना ये एसिड बन। तो जब वाटर ना किसी चीज को आयन, मतलब जैसे किसी चीज को एसिड या बेस में कन्वर्ट करते हैं अपने H प्लस या OH माइनस की वजह से, तो उसको बोलेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस हो। और हाइड्रेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट, या वाटर अटैच विद द सॉल्ट, वाटर गेट्स अटैच्ड विद द सॉल्ट टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स,
और बताओ, तो ऐसे देखो, ऐसे जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में ना 5 वाटर जुड़ जाएंगे और बना देंगे उसको कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, ऐसे, ठीक है ना? जहाँ पे डॉट में लग जाता है ना, इसको 10th में हम क्या बोलते थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O, याद है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? मुफ्ती दिशांत रक्षच, यस सर। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, अभी हमने डिफरेंस किया है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन। चैप्टर थोड़ा थ्योरिटिकल है नोट साइंस में, ठीक है ना? अभी मैं अगला टॉपिक पे आ रहा हूँ, सब अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो है टाइप्स ऑफ वाटर, नहीं वो हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसको एक सेकेंड वाटर बॉटल करवा दे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में बेटा क्या होता है, आइस में स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, जैसे ना ऐसे केज लाइक होता है बेटा, ऐसे कुछ इस तरह से देख रहे हो, मतलब वाटर के अंदर, आइस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ना बीच में ना केजेस बन जाते हैं, ओपन स्पेसेस। थोड़ा आइडिया दे दिया आपको मैंने कि मतलब वाटर स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि जैसे कि 4 वाटर जो होंगे ना ऐसे एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे बेटा, एच बॉन्ड्स। तो इसमें ना केजेस होते हैं बेटा, अंदर ओपन होल्स होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं। तो जो ये केजेस बन जाते हैं ना, इससे ना वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, जो खाली जगह है ना ये खोखली होती है आइस, ठीक है? तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो देखो, मैं तो इसका ना एक कुंडली बना लिया बेटे, बना रहे सर, फोर वाटर क्यों लिए इसके अंदर? क्या कह रहे बेटा? फोर वाटर क्यों लिए इसके अंदर? बेटा केजिस, केज बन जाता है ना वाटर के अंदर ऐसे, फोर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस ना, देखो देखो अब इधर देखो, जैसे कि जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस का हमने एक्सरे किया ना बेटा, तो ये हमें स्ट्रक्चर मिला। मैं आपको इसके दो जस्टिफिकेशंस दे सकता हूं, कि जब साइंटिस्ट के दिमाग में ना एक चीज आई, साइंटिस्ट कहता कि ना जो आइस का आइस होती है बेटा, वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? एक्चुअली ना आई वाट जो साइंटिस्ट है ना वो इस आंसर के चक्कर में ढूंढ रहे थे कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब आइस हल्की होती है, तभी तो फ्लोट करती है ना। अब हल्की क्यों होती है बेटा? क्योंकि तो आइस के अंदर ना इस तरह के ओपन स्पेसेस होते हैं, देखो आप
ये देखो आप, ये देख रहे हो, तो ये जो केजेस बना रखे हैं ना, देखो देखो यहां पर भी ऐसे ही है। देखो ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है जो 3D में दिखेगा, ये आइस। तो मैंने ना उसको बहुत सिंप्लीफाइड दे दिया है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया इसको। मैंने ना इसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया। एक वाटर, ये देखो ये एक वाटर, फिर उसके बाद आप देखो दूसरा वाटर, और ये आ जाएगा हमारे पास तीसरा वाटर, और ये रहा चौथा वाटर, देख रहे हो। तो ये देखो चार चार का कॉम्बो नहीं बन रहा, 1 2 3 4, और ये बीच की खाली खाली जगह, जो खाली जगह बनती है ना, ये खाली जगह की वजह से ही जो है ना आइस का जो डेंसिटी है वो कम होता है। देखो यहाँ पर जो इसका की वर्ड है ना वो ये है, जो इसका की वर्ड है ना वो ये ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे मतलब एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बना दो, तो हर एक ऑक्सीजन जो होती है ना वो चार ऑक्सीजन से मतलब उसके उसके उसमें होती है, ये ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे। और साथ में ना ये अब सही है, ठीक है ना। अब ये बीच बीच में यहां पर हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ये ओपन केजेस बन रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर की ना ये की लाइन है कि हर एक ऑक्सीजन के सराउंडिंग में चार अदर ऑक्सीजन एटम, उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ऐसे बनाया है। यहाँ पर एक और बना देता हूँ, जो जहाँ मैंने केस लिखा है ना वहां पे मैं एक और बना देता हूँ। तो देखो ये एक ऑक्सीजन और उसके आसपास घिरे हुए चार वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ये बीच में बन गए हैं केजिस। मेन है केजिस वाली बात, क्या दिखाना है इस पर, ये पॉइंट ना, और ये पॉइंट लिख लो बेटे आप साथ, कि ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन। इसी वजह से ना, इसी वजह से देखो आगे की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस ए रादर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद वाइड होल्स। तो होल्स होने की वजह से ना वाटर की डेंसिटी जो आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस। ठीक है लक्षिता, मतलब बेसिक इसका मतलब ये है कि इसमें ना केजिस आ जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है लक्षिता। लक्षिता सुन रहे हो, मतलब यस बेसिक कंसेप्ट पे अगर हम बात करें ना, कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर ऑक्सीजन इस तरह से चार और वाटर से घिरा रहेगा तो बीच बीच में क्या आ जाएंगे, उससे केजिस आ जाएंगे, जिससे वाटर की डेंसिटी कम हो। अच्छा अब आगे बात करूं, अगर आइस स्ट्रक्चर के अलावा अब एक टॉपिक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बेटा, वो देखो वो आता है बेटा टाइप्स ऑफ वाटर, मतलब टॉपिक का नाम है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो बच्चों देखो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर वो होता है विच कैन फॉर्म, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर ये स्ट्रक्चर बनाओगे, चलो दो। यस सर। बनाओ।
सॉफ्ट वाटर क्या होता है बेटा? विच कैन फॉर्म लादर विद सो। सैंपल ऑफ वाटर विच कैन फॉर्म लादर विद सो, मतलब झाग जो बना लेगा ना साबुन के साथ वो हो जाएगा सॉफ्ट वाटर, जो नहीं बना सकता वो क्या हो जाएगा? हार्ड वाटर। वाटर विच कैन नॉट फॉर्म लादर विद सो। सर हार्ड वाटर आइस खारा पानी, होता खारा है। पानी जो होता है ये देखो, अब इसमें अगला पॉइंट ये बनेगा कि इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। और यहां पर लिख दो बच्चे इट कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम। कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम। अब देखो क्या होता है, अब आगे लिखेंगे कॉज ऑफ हार्डनेस, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो बच्चा कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है कि सोप का फॉर्मूला होता है बेटा, ये सोप का फॉर्मूला होता है। अगर कोई वाटर सैंपल ऐसा हुआ जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम है, अगर कोई सॉल्ट का फॉर्मूला कैसा होगा जिसमें क्या है कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो उससे क्या होगा बेटा जरा देखो, उससे क्या होगा, ये ना Na की जगह पर ना कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा, जिसको ना मैं Mb लिख सकता हूं, Mb। यानी कि देखो ऐसे सर ये M2+ का M मतलब 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 एक इन दोनों में से कोई भी, और ये ना प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये ना स्कम बन जाता है। स्कम जैसे खारे पानी में, जैसे देखो ये खारा पानी, ये कहाँ से आया कैल्शियम मैग्नीशियम में, कहाँ से आया, फ्रॉम कहाँ से आया बेटा, कहाँ से आया, हार्ड वाटर से आया। आपने हार्ड वाटर में साबुन को घोलने की कोशिश कर, तो साबुन घुला ही नहीं, क्या कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया, नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, वो उसको झाग बनाने नहीं देंगे, मिसल बनाने नहीं देते, मिसल्स होते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट कर बन गया, स्कम बन गया, मतलब पानी में झाग नहीं बनेगी बेटा आपके, अगर आपके पानी में क्या हुआ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, तो झाग नहीं। अब आगे आता है बेटा टॉपिक टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सर प्रेसिपिटेट और के बाद क्या लिखे हैं प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, सर? और के बाद स्कम, स्कम स्कम और प्रेसिपिटेट एक ही बात होती है।
पर करूं क्या, कर लिया। अच्छा सर हो गया। टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखो जरा, दो तरह की हार्डनेस होती है बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और कौन सी है बेटा, परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है बेटा, इफ हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। और इसमें लिख देंगे हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। ये होती है ड्यू टू, इट इज ड्यू टू बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और यहां पर क्या लिखोगे बेटे बताओ, इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम।